दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है वाहन चेकिंग को लेकर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अपडेट लगाई गई है सीएम योगी की नाराजगी के बाद वाहन चेकिंग को लेकर बड़ा फैसला, अब पेपर चेक नहीं करेगी यूपी पुलिस। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वाहन चेकिंग के दौरान वसूली की बढ़ती शिकायतों के बाद आखिरकार डीजीपी ओपी सिंह को पुलिस कर्मियों की हदें तय करनी पड़ी। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पुलिस कर्मी गाड़ी के कागज चेक करने के लिए वाहन नहीं रोकेंगे। पुलिस कर्मी हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने वाले और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के सिर्फ डीएल चेक करेंगे। डीजीपी ने प्रदेश के सभी एसएसपी एसपी को इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पूर्व सभी एडीजी जोन के साथ हुई बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चेकिंग के नाम पर लोगों को रोककर उनका उत्पीड़न किए जाने की बढ़ती शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। ऐसा करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान प्रदूषण, आरसी व बीमा जैसे कागज चेक करने के नाम पर पुलिस कर्मियों द्वारा वसूली की शिकायतें मिल रही थी। एमबी एक्ट में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने के बाद पुलिस कर्मियों के भारी जुर्माने का हवाला देकर वाहन चालकों का उत्पीड़न करने के कई मामले भी सामने आए। ऐसी बढ़ती शिकायतों पर डीजीपी ने अधीनस्थों के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस कर्मी चेकिंग के दौरान डिजिटल लॉकर अथवा एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों को वैध मानेंगे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ समान, निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई की जाए। वसूली या उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर दोषी पुलिस कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी नाराजगी जाहिर की थी, इसी को लेकर डीजीपी ने यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब पुलिस कर्मी किसी भी वाहन के कागज को चेक नहीं करेंगे, अगर उन्हें रोकना भी होगा तो केवल डीएल को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको उत्तर प्रदेश के डीजीपी का ये फैसला कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपके साथ कभी इस तरह का उत्पीड़न हुआ या फिर नहीं हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।